ईडी के रडार पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ गए हैं। दिल्ली में ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लंबी पूछताछ की है। पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से रवाना हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मानेसर लैंड डील मामले में ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी। दो हफ्ते पहले भी ईडी ने हुड्डा को पूछताछ के लिए बुलाया था। तो भूपेंद्र हुड्डा की अगर बात की जाए तो उनका वो बयान भी शायद आपको याद होगा जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि उनका काम है जांच करना, उनका काम है पूछना, हमारा काम है सवाल का जवाब देना। तो अब इस कार्रवाई को भूपेंद्र हुड्डा किसी भी तरह से नाकाफी और गलत नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि ईडी का काम पूछताछ करना है, हमारा काम जवाब देना है, जब बुलाएगी तब हम जाएंगे। अब एक बार फिर से ईडी की रडार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, लंबी पूछताछ हुई है। क्या कुछ सवालात ईडी के द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के सामने रखे गए हैं मानेसर लैंड डील को लेकर, सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता रिया राय हमारे साथ है ज्यादा जानकारी के लिए। रिया, क्या कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आया है, क्या सवाल किए गए, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है हुड्डा से? लंबी पूछताछ हुई है, लंबी बातचीत हुई है। जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, जिस तरीके से बात करें तो आज पूरी तरीके से ईडी के रडार पर थे सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और काफी लंबी जो पूछताछ है उनसे की गई। और पूछताछ में ये अभी तक हालांकि ईडी की तरफ से स्टेटमेंट जारी नहीं की गई है कि किस तरीके के सवालात रहे हैं, लेकिन अगर हम मामले के बारे में बात करें तो जिस तरीके से ये जानकारी है कि जो मानेसर में लैंड डील का मामला है उसी को लेकर हुड्डा पर पूरा आरोप है कि उन्होंने बिल्डर्स को फायदा पहुंचाया है और फायदा पहुंचाया है, इस वजह से करोड़ों का जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं पर जमीनी स्तर पर और भी जो लोग हैं उनको पहुंचा, इस तरीके का आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि एक चार्जशीट जो है उसको भी दायर किया गया था। हरियाणा सरकार ने 2004 में एक नोटिफिकेशन को निकाला था जिसमें ये कहा था कि मानेसर में लगभग 912 एकड़ में जो जमीन है, इंडस्ट्रियल मॉडल एक टाउनशिप है, उसको लेकर वो आएंगे और मानेसर के जो भी किसान होंगे उनको उस जमीन को दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद हुआ है कि जब सभी बिल्डरों ने अपनी मिली भगत के माध्यम से उस जमीन को खरीदा और उसको खरीदने के बाद को औने पौने दामों पर बेचा गया, तो लेकिन बेचा गया जिसके बाद जो है अगर बात करें तो जो भी उस जमीन से जुड़े हुए किसान थे और भी जो लोग अन्य जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं पर उससे भारी नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ, इस तरीके का जो आरोप है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर है। हालांकि अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरी तरीके से सहयोग दिया है, क्योंकि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो दो हफ्ते पहले हुड्डा को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और जब ईडी से पूछताछ के बाद जब हुड्डा बाहर आए तो उन्होंने अपने बयान में ये कहा था कि जांच एजेंसियों का ये पूरा पूरा दायित्व बनता है कि उन्हें जांच करनी है और वो इसका पूरा सहयोग करते हैं क्योंकि वो कानून को मानते हैं, कानून को साथ लेकर चलते हैं, तो ऐसे में वो पूरा सहयोग करेंगे चाहे कितना भी समय लगे या फिर ईडी अब आगे चलकर कितनी बार भी इस मामले में उन्हें जांच के लिए बुलाएगी वो उसका पूरा पूरा सहयोग करेंगे और जांच के लिए शामिल भी होंगे। हालांकि सवालों की अगर बात करें तो अभी तक इस तरीके की कोई जानकारी जांच एजेंसी के माध्यम से नहीं दी गई है कि किस तरीके के सवाल जो हैं वो सामने आए हैं पूरे मामले को लेकर, लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो सहयोग जो है इस पूरे मामले में खुद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका यही कहना है कि कानून के दायरे में रहने वाले वो व्यक्ति हैं और जितनी बार उनको जांच एजेंसी बुलाएगी वो उतनी बार जाएंगे और उतनी बार ही सहयोग करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में अगर बात करें तो इससे पहले भी वो आ चुके हैं और जांच एजेंसी उनसे पूछताछ भी कर। सवाल ये है कि कांग्रेस लगातार ये आरोप विपक्ष लगाता रहा है, यूं कहें तो, कि ईडी का दुरुपयोग केंद्र के द्वारा किया जा रहा है, चुनाव से एन वक्त पहले किया जा रहा है। क्या हरियाणा में इस तरीके के कोई आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं ईडी की इस कार्रवाई को लेकर? क्योंकि हुड्डा का स्टैंड तो क्लियर है कि वो इस कार्रवाई को वाजिब मान रहे हैं और कह रहे हैं कि जब भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे, लेकिन और अगर कांग्रेस खेमे की बात की जाए तो क्या कुछ इस तरीके की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें कि और जो विपक्षी पार्टियां हैं, क्योंकि देखिए चुनावी जो दमाखम है वो काफी ज्यादा नजदीक है और ऐसे में इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप और जांच एजेंसी का रडार कहीं ना कहीं पर ये जो सारे सवाल है वो जरूर लगातार बनते भी आ रहे हैं और विपक्ष पर सवाल भी उठाता नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करें कि किसी तरीके की स्टेटमेंट को जारी किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक होने के कारण हमने कई बार
बार ऐसा सुना है कि जब भी चुनाव नजदीक होते हैं तो उसमें ईडी की जांच, जो जांच एजेंसियां होती हैं उनका रडार तेज हो जाता है, पूछताछ तेज हो जाती है और इस तरीके के जो आरोप है वो भेदों कर बाहर आते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दो हफ्ते पहले भी ईडी ने हुड्डा को पूछताछ के लिए बुलाया था, एक बार फिर से लंबी पूछताछ की गई। ईडी के रडार पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है।